नमस्कार, मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर आपके साथ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था इंडिया से यूके आने का पूरा प्रोसेस, तो मेनली हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं OET ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट अप्रूव्ड एग्ज़ाम होता है, ये मेनली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम की बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस एग्ज़ाम की फीस टोटल 32,000 होती है, जो कि रिफंडेबल होती है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपका ट्रस्ट आपको ये एग्ज़ाम फीस रिफंड कर देता है। इस एग्ज़ाम के अंदर टोटल 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, जिसके अंदर रीडिंग के अंदर आपको 20 स्कोर चाहिए होता है, लिसनिंग के अंदर आपको 20 स्कोर चाहिए होता है, स्पीकिंग के अंदर 20 स्कोर चाहिए होता है और राइटिंग के अंदर 20 स्कोर चाहिए होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली 2 मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं, रीडिंग और लिसनिंग। बाकी अगली वाली वीडियो के अंदर हम लोग राइटिंग और स्पीकिंग डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो आपके लिए कम्फर्टेबल हो। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पहले रीडिंग के बारे में। जो ये जो रीडिंग जो होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों सेक्शंस के अंदर टोटल मिला के 42 क्वेश्चंस होते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट होता है। तो जो रीडिंग है वो टोटल 60 मिनट्स की है, जिसके अंदर आपको 42 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। जो सेक्शन ए होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये 15 मिनट्स का होता है। सेक्शन बी और सी टोटल मिला के 22 क्वेश्चंस होते हैं, ये 45 मिनट्स का होता है। तो जो सेक्शन ए होता है, इसके अंदर जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, जो कि टोटल 4 छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा। उस पैराग्राफ में से आपको आपके आंसर्स ढूंढने हैं और आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे फिल करने होते हैं। ये होता है सेक्शन ए। इसके अंदर जो सेक्शन ए के अंदर जो मेनली जो आंसर्स होते हैं, वो 1 वर्ड 2 वर्ड या 3 वर्ड होते हैं। इसके अंदर कोई सेंटेंस वाला आंसर नहीं होता है, तो ये काफ़ी ईजी होता है। आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 15 मिनट्स के अंदर। जो सेक्शन बी होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 6 पैराग्राफ होते हैं और 6 क्वेश्चन होते हैं। हर पैराग्राफ का एक क्वेश्चन होता है। जो पैराग्राफ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, 100 to 150 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होता है। जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर टोटल मिला के आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो कि करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको टिक करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 पैराग्राफ होते हैं छोटे छोटे। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 2 पैराग्राफ होते हैं। तो एक पैराग्राफ 800 वर्ड्स का होता है, सेकंड पैराग्राफ 800 वर्ड्स का होता है। हर पैराग्राफ के लिए टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल मिला के दोनों पैराग्राफ के लिए टोटल 16 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चंस के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है, ए बी सी डी में से। तो ये होता है सेक्शन सी के बारे में। तो टोटल मिला के जो रीडिंग का होता है वो होता है 60 मिनट्स और 42 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी ईजी है। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे रीडिंग की, तो आप इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लिसनिंग के बारे में। लिसनिंग के अंदर टोटल 42 क्वेश्चंस होते हैं और लिसनिंग टोटल 40 मिनट्स की होती है। इसके अंदर एक क्लिप सुनाई जाएगी जो 40 मिनट्स की होती है, और इसके अंदर से आपको रिलेवेंट आंसर ढूंढ के आपके क्वेश्चन के आपको आंसर करने पड़ते हैं। जो लिसनिंग होती है, ये टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए हम लोग सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेक्शन ए होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 2 ऑडियो क्लिप होती हैं। एक ऑडियो क्लिप 5 मिनट की होती है, उसके बेस्ड के ऊपर आपको 12 क्वेश्चंस मिलते हैं एक ऑडियो क्लिप के ऊपर। तो टोटल मिला के 2 ऑडियो क्लिप होती है 5-5 मिनट की, और टोटल मिला के 24 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो एक ऑडियो क्लिप होगी, वो एक कन्वर्सेशन होती है एक पेशेंट और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में। इसके अंदर से आपको अपना रेलेवेंट आंसर ढूंढना है और आपके क्वेश्चन का आंसर करना है। तो जो सेक्शन ए होता है, उसके स्टार्टिंग से पहले आपको 1 मिनट प्रिपरेशन के लिए दिया जाता है, और आपको इसके सेक्शन ए के एंड में आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, जिसके अंदर आप अपने आंसर से आप चेक कर सकते हैं आपकी स्पेलिंग सही है या नहीं, वो लेजिबल है या नहीं, आपने किस तरीके से लिखे हैं, वो उस चीज़ के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं। तो चलिए अब लोग आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर टोटल मिला के 6 ऑडियो क्लिप होती हैं। हर ऑडियो क्लिप टोटल 1 मिनट की होती है। हर ऑडियो क्लिप के अंदर मेनली जो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं वो हैं पेशेंट हैंडओवर और टीम ब्रीफिंग, या फिर पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच में कोई कन्वर्जेशन होती है। इसके अंदर टोटल ये 3-4 चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। हर ऑडियो के टोटल 1 मिनट की होती है, और हर ऑडियो के बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस होते हैं और 6 ऑडियो होती हैं 1-1 मिनट की। ये होता है सेक्शन बी के बारे में। इसके बाद आपको 2 मिनट दिया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना सेक्शन बी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी के अंदर टोटल मिला के 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। हर ऑडियो रिकॉर्डिंग 5 मिनट्स की होती है, और हर ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद टोटल मिला के आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन सी के अंदर टोटल मिला के 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है 5-5 मिनट की, जो कि 10 मिनट होती हैं, और हर ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन सी के अंदर टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस होते हैं।
तो जब हम पूरा लिसनिंग को कैलकुलेट करते हैं तो सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी के अंदर 6 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 42 क्वेश्चन होते हैं जो कि 40 मिनट्स की ऑडियो क्लिप में से आपको रेलेवेंट आंसर ढूंढ के आपके क्वेश्चन के आंसर करने पड़ते हैं। तो ये था रीडिंग और लिसनिंग के बारे में। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर स्पीकिंग और राइटिंग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच।